सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। हमें इतना तो मालूम था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारी बात, पूरी लड़ाई चल रही थी सूडो ऑर्डर रिएक्शन की। मतलब हो ये रहा था कि जब तक पब्लिक सिर्फ मॉलिकुलरिटी जानती थी, उनके हिसाब से सारी रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती थी, एलिमेंट्री थी। जितने मॉलिकुल रिएक्शन में दिखाई देते थे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लेते थे, ये उस समय के साइंटिस्टों का कंसेप्ट था। लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि जब हमें पता चला कि मॉलिकुलरिटी और वो नहीं आ रही है जो रेट एक्सप्रेशन में आ रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहली बार आया, यानी मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर नहीं आ रहे थे। तो ऐसी सभी रिएक्शनों को क्या नाम दिया गया? सूडो ऑर्डर रिएक्शन। और जिसमें मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर आ रहे थे उन्हें क्या बोला? नॉर्मल रिएक्शन। तो सूडो का मतलब ही क्या आता है? धोखा। तो ऑल दिस रिएक्शन इन विच मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर नॉट सेम कॉल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो लिख लीजिए डेफिनेशंस। ऑल द रिएक्शन इन विच मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर नॉट सेम कॉल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। पुराना कंसेप्ट था, आधी अधूरी नॉलेज के साथ था, तो हमने भी ऐसी डेफिनेशन दे दी। केमिकल रिएक्शन इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी आर नॉट सेम कॉल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। समझ में आ गया? मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर नॉट सेम कॉल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में एम एंड एन नॉट इक्वल कॉल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शंस। वो प्राइमरी रिएक्शन कौन सी थी जिसमें हमें ऐसा पता चला एम और एन की वैल्यू बराबर नहीं आ रही थी? एक थी हमारी ग्लूकोस, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, C6। नहीं, पहले मैं ले लेता हूँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर है हमारे पास R C डबल बॉन्ड O O R, और वाटर के साथ रिएक्शन करा, एसिडिक मीडियम में कराया हमने, कैटलिस्ट का काम करता है R C डबल बॉन्ड O OH प्लस ROH। एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना, एक अल्कोहल बना। मैंने इसको सोचा कि R इक्वल टू K R C डबल O R और H2O दोनों आएगा, पहले की नॉलेज। लेकिन जब प्रैक्टिकल करा तो पता चला 1 और 0 है। समझ में आया? फिर थ्योरी एडवांस होने लगी, साइंटिस्ट और मेहनत करने लगे, पढ़े लिखे हो गए, और ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए। उन्होंने बताया कि ऐसी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमेशा एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती है। समझ में आ गई बात? मुझे उनकी बात समझ में आ गई। और इस तरह की रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स भी होती है जिसमें मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर नहीं हो रही थी। और फिर धीरे धीरे मैंने कहा डेफिनेशन इन रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी कहना ही बेवकूफ़ी है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे हम। समझ में आया? देखिए, 0 है इसका मतलब H2O पे डिपेंडेंस नहीं है। आप क्यों डिपेंडेंस नहीं है? क्योंकि वाटर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है सब्सटेंस में, अगर कोई रिएजेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो उसके ऊपर डिपेंडेंस क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना? तो यहाँ बहुत अच्छे से बात करते थे। तो उस वक्त एक और एग्जाम्पल लिया गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। और केन शुगर हमारे लिए होता है C12H22O11 प्लस H2O, और इसके हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनता है और फ्रुक्टोज C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चर नहीं, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल खैर स्ट्रक्चर तो होते ही हैं। तो ये कौन सा था? ग्लूकोस। और ये कौन है? फ्रुक्टोस। पक्का उससे मतलब नहीं था? R इक्वल टू K। कैन शुगर, कैन शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। और वाटर पावर यहाँ क्या आ रही है? जोर से बोलो। 1। और यहाँ क्या आ रही थी? 0। जबकि साइंटिस्ट क्या सोच रहे थे? दोनों पे 1 1 आनी चाहिए थी, कॉफिशेंट 1 1 है। तो इसका मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती है। एक की पॉइंट मेरी तरफ से लिखेंगे,
यहां पर अगर कोई रिएक्शन दे रखी है, कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस बी और सी प्लस डी बना रहा है, और रेट एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 1 दे रखा है, दे दिया। और मैंने आपको पहले भी बोला था ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस प्रैक्टिकल वैल्यू है, जो जो कि चेंज होता है अमाउंट वाइज भी। और यहां क्वेश्चन दे दिया जाए, इफ 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 व्हाट, इफ ए इज वेरी 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 हाई कर दिया जाए बी को, तो पता है रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, के ए की पावर जो बहुत ज्यादा कर दिया जाए उसके ऊपर डिपेंडेंस क्या हो जाती है, खत्म। और अगर दूसरी कंडीशन में अगर बी बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो फिर उस जगह आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर 2 और बी की पावर 0, यानी यहां ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 0, और यहां हो जाएगा नेट ऑर्डर 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कि ऐसा भी हो सकता है, वहां रेट एक्सप्रेशन दे रखा है और बोल दिया गया है लैंग्वेज में, इफ ए इज वेरी 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 हाई देन बी देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बच्चा पता है क्या करेगा, 2 प्लस 1 करके 3 लिखाएगा, और वहीं गलती कर गया वो, उसकी गलती के मजे ले लिए हमने। हाँ तो देखो ना, 0 प्लस 1 ही लिखा हुआ है वो, ठीक है, तो ध्यान से देखो वो 1 ही है, ठीक है ना, वो 2 बार लिखने की आदत है, 0 प्लस 1 जब भी आता है उसे 2 बार लिखा जाता है, 0 प्लस 1 कितना होता है, 1, सही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें छोटी छोटी चीजों को, तो क्या ये चीज समझ में आ गई आपको। अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, अगला पॉइंट रहेगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। चलो करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी तो शूडो ऑर्डर था, तो हेडिंग डाल लीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन।